हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप दोस्तों, अगर रोड एक्सीडेंट के केस में कोई आई विटनेस ना हो, यानी कि कोई ऐसा चश्मदीद गवाह जिसने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा हो, और यदि जो अक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी कोर्ट में प्रूव ना हो, क्योंकि जो आई विटनेस है वही कोर्ट में प्रूव करेगा कि जो एक्सीडेंट किया है वो इस व्यक्ति ने किया है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो क्या मृतक की पत्नी की गवाही पर जो क्लेम का केस है वो पास हो जाएगा, या जो कोर्ट इस बिना पर केस को रिजेक्ट कर देगी कि इसमें क्योंकि आई विटनेस नहीं है इसलिए पत्नी की गवाही को रिलायबल नहीं मान सकते क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं थी। और दूसरी स्थिति ये है कि मान लीजिए आई विटनेस था, कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस था जो राह चलता हुआ था, जिसने अपनी आंखों से एक्सीडेंट होते हुए देखा है और उसने पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी व्हीकल नंबर देखकर, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, उसके बाद उस अक्यूज्ड के खिलाफ केस चल पड़ा, चलान उसका हो गया। लेकिन जब आई विटनेस का गवाही का वक्त आया तो तब अक्यूज्ड उस पर दबाव डाले कि आपने मुझे कोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं करना है, या मेरे जो खिलाफ है कोर्ट में गवाही नहीं देनी है। तो ऐसे में क्या तब भी जो क्लेम का केस है वो पास होगा या नहीं होगा? दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक केस माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया, आप इसका रेफरेंस नोट कर सकते हैं, सिविल मिसलिनियस अपील नंबर 34525 2018 की है, जो अब डिसाइड हुई है। केस का टाइटल है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हेमा देवी एंड अनदर्स। तो एमएसीटी ने जो मृतक थे, डिसीज थे, उनकी पत्नी के पक्ष में अवार्ड पास किया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उस अवार्ड को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये कहा कि जो अक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई और उसके खिलाफ कोई भी आई विटनेस कोर्ट में पेश नहीं हुआ, और ये कहा कि जो अक्यूज्ड है या उसकी व्हीकल है इस एक्सीडेंट में जो है इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि उनको झूठा फंसाया गया। और ये ग्राउंड्स देकर इंश्योरेंस कंपनी ने, जो एमएसीटी ने क्लेम दिया था विडो को, पत्नी को, वो जो है खारिज करने की मांग रखी। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशंस दी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो एफआईआर करवाने वाला था वो एक पासर बाय था, यानी कि वहाँ से गुजर रहा था, उसने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा, तुरंत उसने एफआईआर दर्ज की, क्योंकि जो विक्टिम थे उसके परिवार वाले आसपास नहीं थे, तो इंडिपेंडेंट विटनेस ने इसमें एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन जब उसकी गवाही का वक्त आया, कोर्ट में अक्यूज्ड को पहचानने की बारी आई या उसके खिलाफ गवाही देने की बारी आई, तो तब अक्यूज्ड ने उस पर प्रेशर बनाया कि वो कोर्ट में पेश ना हो, यानी कि उसको धमकी दी कि वो उसको कोर्ट में ना पहचाने, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट विटनेस था, आई विटनेस था, वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। तो यही प्ली इंश्योरेंस कंपनी ने ली कि जो अक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकी है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। तो अब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें
क्या कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हैं। जहाँ पर आई विटनेस कोर्ट में पेश नहीं हो पाता, वहाँ पर वाइफ की जो गवाही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्लेमेंट की गवाही इम्पोर्टेंट बन जाती है क्लेम केस को डिसाइड करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो एक्सीडेंट के बाद जो इंजर्ड था व्यक्ति, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई, वो कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और ऐसे में उसने एक्सीडेंट के बारे में सब चीज़ें अपनी पत्नी को ज़रूर बताई होंगी, जो क्लेम के केस में क्लेमेंट थी जिसकी गवाही हुई थी। और हम ये नहीं कह सकते कि पत्नी को उस केस के या उस केस के सर्कमस्टेंसेस के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, इसलिए उसकी गवाही यहाँ पर जो है एडमिसिबल है। दूसरा इसमें ऑब्जर्वेशन था कि जो डेथ के सर्कमस्टेंसेस थे वो रेलेवेंट हो जाते हैं, कि एक्सीडेंट में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा इंजर्ड होने के बाद, तो जो ये सर्कमस्टेंसेस हैं वो एविडेंस एक्ट की सेक्शन 32 क्लोज 1 के तहत रेलेवेंट माने जाते हैं, यानी कि पत्नी की गवाही यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का था कि जो FIR दर्ज करवाई गई, वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके तुरंत बाद करवाई गई, यानी कि उसमें सेक्शन 304A बाद में जोड़ी गई जब विक्टिम की मृत्यु हो गई, और ये पॉसिबिलिटी अब बहुत ही कम है, यानी कि निगलिजिबल है कि जो पत्नी है वो किसी भी व्यक्ति को, अक्यूज्ड को झूठे उस केस में फंसा देगी, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। और पत्नी के पास ड्राइवर को, अक्यूज्ड को झूठा फंसाने के लिए कोई भी मोटिव नहीं है, वो क्यों किसी को, किसी भी ड्राइवर को, किसी भी व्हीकल को अपने पति के एक्सीडेंट के केस में इम्प्लिकेट करेगी। इसमें दोस्तों अगली ऑब्जर्वेशन है कि जो वाइफ का वर्जन था कोर्ट में गवाही के वक्त, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके चैलेंज नहीं किया गया। जब ड्राइवर पक्ष के एडवोकेट ने वाइफ का क्रॉस एग्जामिन किया, तो ये चीज़ें जो वर्जन था उसको चैलेंज नहीं किया गया, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और जो आई विटनेस है वो आइडेंटिफाई करने में सफल नहीं रहा कोर्ट में ऑफेंडर को, फिर भी उसकी स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर कट थी कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो इस मोटरसाइकिल के ड्राइवर ने किया है, और मोटरसाइकिल का नंबर भी उसने बाकायदा पुलिस को कोर्ट में दिया था FIR के दौरान, और उसने ये भी कंप्लेंट की थी पुलिस में कि जो अक्यूज साइड से उसको धमकी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है कि वो कोर्ट में आकर उसको ना पहुंचाने पहचाने, वरना उसकी जो है उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में इसलिए हिस्सा नहीं ले सका। और कोई भी जो है अपेरेंट रीज़न नहीं है इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए, जो एक राहगीर है जिसने एक्सीडेंट देख लिया होते हुए, कि वो किसी भी ड्राइवर को, किसी भी व्हीकल को उस केस में फंसा देगा, क्योंकि उसके पास कोई भी मोटिव नहीं है, और जो उसने देखा वो सही है, वो उसने FIR में दर्ज करवाया। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो वाइफ की जो टेस्टिमनी थी, वाइफ का एविडेंस था MSET के सामने, उसको एक्सेप्ट किया, और जो अपील थी इंश्योरेंस कंपनी की उसको डिसमिस कर दिया। और यही नहीं, माननीय कोर्ट ने सुमोटो इसमें जो है एक्शन लेते हुए जो क्लेम की राशि थी वो बढ़ाकर 18,05,000 रुपये कर दी, यानी कि MSET ने जितना अवार्ड दिया था उसको कहीं बढ़ाकर इंश्योरेंस कंपनी ने विक्टिम की फैमिली को, विडो को दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर आई विटनेस अक्यूज्ड को कोर्ट में ना भी पहचान सके, या कोई आई विटनेस ना भी हो, तब भी जो वाइफ है, क्लेमेंट है, या दूसरे परिवार के लोग हैं जो उस केस के बारे में जानते हैं, उनकी गवाही भी रेलेवेंट है, और उस आधार पर जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।